हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके UPRTOU से रिलेटेड हैं। और ये पेपर जो होंगे आपके CSSPS यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो आपका होता है सिंगल सब्जेक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपका जो UGPS यानी कि अंडर ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कैसे आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कितने कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। जो लोग पहली बार इस बार पेपर देने जा रहे हैं UPRTOU में, उन्हें ये बात ज़रूर से पता होनी चाहिए कि किस तरह से उनको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस करने होते हैं टोटल। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एग्जाम टाइम में कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि पहली बार जब मैं भी एग्जाम देने गया था तो पहले पेपर में मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आपको जो भी पेपर्स हैं वो भी मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा सोर्स कि कहां से आप पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और कौन कौन से पेपर्स का यूज़ करके आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने ये पेपर है। पहला पेपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कोर्स का कोड है वो है CSSPS01 और जिसका कि आप पेपर का टाइटल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अभी पेपर वन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैं उनके लिए ये पार्ट मैं अभी शो कर रहा हूँ क्योंकि उनको जानना बहुत जरूरी है किस तरीके का पेपर आता है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी लिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का तो भी आपका पेपर ये रहेगा, बस आपका कोर्स का कोड यहाँ पे बदल जाता है और बाकी आपका सिलेबस सेम है, बुक्स भी सेम है, चाहे आप CSSPS कर रहे हो चाहे UGPS कोर्स में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको CSSPS पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होते हैं, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है जो कि आप अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सेलेक्टिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, तो पहले सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 फ्रॉम सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना होगा और तीसरे सेक्शन से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए आपके सामने यहाँ पर आ गया है, 48 मार्क्स का है, यहाँ पर 16-16 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे, दोस्तों यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना होता है लेकिन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ 2 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। और दोस्तों जब आप यहाँ पर सेक्शन सी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 से 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनकी जो कॉपी होती है अराउंड 32 पेजेस की कॉपी होती है, जब आप कॉपी ओपन करेंगे तो उसमें आपको 32 या 33 पेज देखने को मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि अपने आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आप लिख पाएं। जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट जो सेक्शन है जिसमें आप लिखा हुआ है कि 500 से 800 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर करना है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस आंसर को आप मैक्सिमम 5 से 6 पेजेस में अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका ये 150 से 300 वर्ड्स का जो आंसर है इसको आप कोशिश कीजिएगा 3 से 4 पेजेस में अगर आप लिख पाएं। ठीक है, 3 से 4 पेजेस आप लिखेंगे तो अगर आप मान काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 पेज अगर हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं सेक्शन में तो 6 3 18 हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, 4 पेजेस आप यहाँ पर लिखेंगे तो 18 + 4 आपका हो जाएगा 22 पेजेस। इसके बाद आपको यहाँ पर 50 to 100 वर्ड्स में यहाँ पे आंसर लिखना है, लेकिन 50 to 100 वर्ड्स दोस्तों बहुत कम होते हैं, आप उसको सिर्फ हाफ पेज में लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1 पेज या फिर 2 पेज इसमें जो है ज़रूर से फिल करें। तो मैक्सिमम अगर आप 25 से 26 पेज 27 पेज अगर लिख पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग तो पूरी पूरी कॉपी भर देते हैं क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत फास्ट होती है। और इसी तरीके से आपका जो पेपर 2 होता है, ये वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो आपको इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो कि आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं वो तीनों पेपर मैंने इसमें दिखाए हुए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि पेपर 4 और पेपर 5 आपको कैसे प्रिपेयर करना है जो कि लोग सेकेंड ईयर में है।
तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये आपका इस साल का असाइनमेंट है। ये सभी लोगों ने बनाया होगा, आप जानते हैं। इसमें आपको एक पीडीएफ में पांचों पेपर्स के असाइनमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सीएसएस पीएस 01, इसके बाद आप नीचे आएंगे 02, 03 एंड 04। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका असाइनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके असाइनमेंट में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। आप मान के चलिए कि आपके असाइनमेंट से कम 40-50% आपका पेपर यहीं से आ जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट दिया ही इसीलिए जाता है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस पर वर्क करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर असाइनमेंट बनाते हैं। तो 40-50% आपके क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे और आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। और यहां पर आप देख रहे हैं सीएसएस पीएस 05 है, यहां पर आप देखेंगे ये भी असाइनमेंट है। और यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, सिर्फ वही क्वेश्चन मस्त तैयार कीजिएगा जो आपने असाइनमेंट में बनाया है। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका आधा पेपर जो है ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पेपर्स के ऊपर। पेपर्स आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर हमें पेपर्स यूपीआरटीओ ओयू के नहीं मिले हैं, लेकिन इग्नू के पेपर्स मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, क्योंकि इग्नू और आपका राष्ट्रीय टंडन दोनों का सिलेबस सेम है। चाहे तो आप उठा करके देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक, एक एक आपका चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम आपका इग्नू से बिल्कुल कॉपी किया हुआ है आपका यूपीआरटीओ ओयू में, और पेपर भी सेम नाम से ही होते हैं। तो आपका जो फोर्थ पेपर है वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से वो क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं जो आपके सीएसएस पीएस के पेपर में आने वाले हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस की संख्या वहां से ज्यादा है। वहां पर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहां आपको करीब 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 13 क्वेश्चन में भी आपको कुछ पार्ट में और क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहां से आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, सभी पेपर मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ। ये पेपर जो आपका पहला वाला था, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका जून 2022 का पेपर है। फिर आपका जो सेकंड पेपर है ये है दिसंबर 2022, और तीसरा जो पेपर है वो है दिसंबर 2021। तो इतने पेपर आपके लिए इनफ होंगे जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे आपके पेपर फोर के लिए, यानी कि सी एस एस पी एस 04। यूपीआरटीओ यू में इस पेपर का नाम है सी एस एस पी एस 04। तो इस पेपर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, जो आपका पेपर फाइव है यानी कि कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके पेपर्स मुझे नहीं मिल पाए हैं। कुछ मैंने काफी फाइंड करने की कोशिश की, काफी ढूंढा, लेकिन इसके पेपर मुझे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपका सी एस एस पी एस 03 वाला जो पेपर है, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया होगा, लगभग पेपर आपको इसी टाइप का मिलेगा, क्योंकि इस पेपर का नाम था इंटरनेशनल रिलेशंस। तो काफी सारे टॉपिक आपको पेपर थ्री से भी आपके मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, अगर पेपर फाइव नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। बाकी आप बुक से भी कुछ टॉपिक जो आपको मिली होगी उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको पेपर्स मिल जाएंगे। पेपर्स दोस्तों आपको यूपीआरटीओ यू के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको इग्नू के पेपर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको वो पेपर्स डाउनलोड करने हैं। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके आप टाइप करेंगे इग्नू प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे टॉप पर यह लिंक आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं 2010 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप दिसंबर 2019 के पेपर देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर सारे कोर्सेज आ जाते हैं दोस्तों। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने सोशल साइंस के, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी हम बात करें। तो यहाँ पर जब आप नीचे विजिट करेंगे तो देखिए लिखा है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में ही हमारा पेपर आएगा, यानी कि आपका बैचलर्स जो कोर्स होता है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर इस सारे पेपर्स दिए हुए हैं। तो जैसे आप दिसंबर 2019 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए पूरी पेपर्स की लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर सी एस एस पी एस 04 है यूपीआरटीओ यू में, वो आपका इग्नू में पेपर है ईपीएस 03 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, अभी देखिए सर्वर शायद इनका काम नहीं कर रहा है इसलिए लिंक नहीं ओपन हुआ है, या हो सकता है ये पेपर ज्यादा पुराने हो गए हैं शायद इसलिए नहीं ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट ओपन करेंगे जून 2022 या दिसंबर 2022 का, तो वो तुरंत आपके लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहीं से ये डाउनलोड किए हैं। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम फिर से जाते हैं ईपीएस 03 पर, ये हमने क्लिक किया, ये देखिए पेपर आपके सामने ओपन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि इग्नू और यूपीआरटीओ यू के मोस्ट ऑफ दी सिलेबस जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है। बस ये आप जानते हैं यूपीआरटीओ यू पूरा हिंदी मीडियम में वर्क करता है, लेकिन वहां पर भी पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन इनकी जो बुक्स होती हैं
वो सब हिंदी मीडियम में होती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, इस वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ पर आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे। ज्यादा पुराने पेपर्स की कोई जरूरत भी नहीं है, लेटेस्ट अगर आपको 3 से 4 पेपर भी मिल जाते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, इन सभी के आपको लिंक जो है हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर डायरेक्टली जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जो भी लोग इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और पेपर्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिली जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ बाकी लोग प्रीवियस पेपर्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।